मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार की कड़ी में एक और मामला जुड़ गया। सीधी के बाद अब इंदौर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो आदिवासी भाइयों पर क्रूर हमला किया गया है। उन्हें जबरन एक घर में बंद कर दिया गया और बेरहमी से लाठियों से पीटा गया जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। यह घटना इंदौर के ट्रेंजर फैंटेसी इलाके में हुई है। वीडियो सामने आने के बाद आदिवासी संगठन जयस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घटना के बहाने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वो गार्ड और लड़ाई झगड़ा करने लग गए, वो तो इसको बिठा के ले गए ऑफिस में ले गए, जिसके बाद मैं भी गया गार्ड लेके। मैं जैसे गाड़ी लेके गया, गाड़ी से उतरा और मेरे को भी बुला लिया, बोले अंदर। तो मैं अंदर गया, जैसे अंदर गया मेरे को दरवाजा लगा के मारने लग गए। मैंने पूछा सर मेरी गलती का ये तो बताओ मेरे को। इसके बाद तो फिर हम भाग के आए वहाँ से। हमको तो पांच छह लोगों ने मारा मेरे को तो। अच्छा, पांच से छह लोग। हाँ, लट्टी लट चलने थी मेरे को तो, बहुत ही मारा। रंगवासा से सर आ रहे थे, हमारी गाड़ी फिसल गई थी तो हम गिर गए। तो सिक्योरिटी को हमने बोला, सुमित चौधरी को हमने बोला भैया हमारी गाड़ी ठीक खड़ी कर दो। तो गाली गुप्ता करने लग गया, मैंने गाली दी उसको, उसने मेरे को सिर में लट मार दी। वहाँ से बिठा के ले गया, एक्टिवा पे बिठा के ले गया और अंदर ले जाके रूम में मेरे को बंद कर दिया। वहाँ ले जाके मारा मेरे को। मैं 4 बजे रात को भाग के आया। जो इसमें मुख्य फरियादी हैं, जो वीडियो में वायरल दिख रहा है, छोटा बच्चा है, जो उस जुवेनाइल से जब हमने पूछताछ की तो उसका कहना है कि कल रात में करीबन 9:30 बजे वो वहाँ से निकल रहा था। अब बारिश अत्यधिक होने के कारण उसकी गाड़ी स्लिप हो गई, वो और उसका ब्रदर था साथ में। गाड़ी स्लिप होने के कारण वहाँ पर जो गार्ड्स थे उनसे कुछ बहस हो गई। बहस होने के बाद उनके द्वारा उनको किडनैप किया गया। वहाँ पर जो गार्ड रूम है वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट।